फ्रेंड्स, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है सारी हॉल वीडियो फ्रॉम अमेजन। यस, सो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अमेजन से मैंने कुछ साड़ियाँ परचेज की है जो आप किसी भी फेस्टिवल इवेंट्स ओकेजन में पहन सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आते तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज दिस ऑरेंज कलर का साड़ी जो बहुत ही प्रिटी है। ऑरेंज एंड पिंक में फुल बॉडी आप तरह के आपको डिजाइन मिल जाएंगे साड़ी के बीच में, और जो बॉर्डर दिया हुआ है ऊपर में वो पिंक कलर का है गाइस। तो ये देखिए इस तरह का डिजाइन दिया हुआ है, ऊपर नीचे आपको पिंक कलर का इस तरह का डिजाइन मिल जाएंगे। और जो इसका ब्लाउज पीस है वो भी पिंक कलर का है, जो कि अगर आप पिंक कलर का कोई भी आपके पास अगर अवेलेबल है ब्लाउज पिंक कलर का तो इसके साथ वो बहुत ही प्रिटी लगेंगे। तो अगर आप स्टिच करवाना चाहते हैं इसी साड़ी का तो वो भी कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको ब्लाउज पीस दिखाती हूँ। इस तरह का ब्लाउज पीस है, प्लेन ब्लाउज पीस का ब्लाउज पीस है, ये आप देख सकते हैं पूरा इस तरह का पिंक कलर का पूरे ब्लाउज पीस। और यहाँ पे जो आपको बॉर्डर दिया हुआ है ना, अगर आप 3-4 स्लीव स्टिच करवाते तो इस तरह का बॉर्डर देख सकते हो वहाँ पे। सो बहुत ही अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन है पिंक एंड ऑरेंज में। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे आजकल मार्केट में भी ऑनलाइन ऑफलाइन में मिल जा रहा है ब्लाउज, बहुत ही प्रिटी प्रिटी सा ब्लाउज, उसके साथ भी आप इस साड़ी को पेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन पिंक एंड ऑरेंज, मेरे पास नहीं थे इस तरह का कॉम्बिनेशन, सो इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। तो ये देखिए ऊपर नीचे इस तरह का आपको बॉर्डर मिल जाएंगे और पूरे बॉडी में आपको वर्क मिल जाएगा इस तरह का डिज़ाइन। पीछे भी देखिए, पीछे इस तरह का कुछ नहीं है, सामने इस तरह का मशीन वर्क आई थिंक दिया हुआ है। और इसका जो साड़ी का मटेरियल है सिल्क मटेरियल है, ओरिजिनल सिल्क तो नहीं होगा इसका, आर्टिफिशियल आप बोल सकते हैं। सो अगर आप चीपेस्ट प्राइस पे कोई भी साड़ी इस तरह का ढूंढ रहे हैं तो या इट्स इज फॉर यू, बिकॉज बहुत ही सुंदर सा है, मटेरियल भी प्राइस के हिसाब से अच्छा है। प्राइस है इसका 729 रुपीज, इसका एमआरपी सिल्क है। सो बहुत ही सुंदर सा है ये, इसका जो शाइन है ना वो ही बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी। आप इसको कोई भी एनी ओकेशन वेडिंग फेस्टिवल में आप इसको पहन सकते हैं, ये देखिए। और इसका जो पल्लू है कुछ इस तरह का है, पूरे पल्लू में आपको इस तरह का पिंक कलर में इस तरह का गोल्डन बीच बीच में इस तरह का वर्क मिल जाएंगे, ये देखिए बहुत ही सुंदर है। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं इसको आप स्टिच करवा ले, इसे दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर आप स्टिच करवाते हैं। सो ये रहा ये फर्स्ट साड़ी, बहुत ही प्यारा सा साड़ी है ये कलर कॉम्बिनेशन। इसमें और भी कलर आपको अवेलेबल हो जाएगा अमेजोन में, और इन सभी ये साड़ी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। सो या दिस इज अ वेरी प्रिटी साड़ी, यू नो वेरी नाइस, अकॉर्डिंग टू इस प्राइस इज टोटली वर्थ इट। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस प्राइस इज टोटली वर्थ इट। सो बहुत ही अच्छा है इसका, मैंने स्पेशली मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा गाइस, बहुत ही अच्छा लगा कलर कॉम्बिनेशन। और ये जो साड़ी का लंबाई है वो अच्छा खासा है, जो भी इसका जो हाइट है अच्छा खासा है। मेरा तो हाइट 5'2" है, तो मुझे बहुत ही हाइट में ज़्यादा हो रहा था। आई थिंक इस फाइव, जिनका भी 5'5", 5'6" हाइट है उनका आराम से हो जाएगा ये साड़ी। और इसका जो लेंथ है साड़ी का वो है 5.5 मीटर एंड ब्लाउज पीस 0.80 मीटर, जो ठीक है, जो बहुत ही अच्छा है, आपको आराम से आ जाएंगे। मतलब साड़ी का हाइट जो भी, अगर आप सोच रहे हैं कि हाइट में परेशानी होती है जिन लोगों को साड़ियों में, तो हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट वन एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज दिस पर्पल कलर साड़ी, ये देखिए। ये कांजीवरम सिल्क साड़ी है, ये जो साड़ी है कांजीवरम सिल्क साड़ी है, और इसका जो मटेरियल है वो भी कांजीवरम सिल्क है। इसका जो आप बॉर्डर देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, जरी ओवन वर्क किया हुआ है, पूरे बॉडी में इस तरह का डिजाइन मिल जाएंगे आपको, ऊपर नीचे नीचे इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है। और इस पे भी आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा, अटैच ब्लाउज पीस, जो कि सेम मटेरियल का है कांजीवरम सिल्क में, और इसका भी हाइट अच्छा खासा है। और इसका जो साड़ी का लेंथ है 5.5 मीटर एंड द ब्लाउज पीस इज 0.8 मीटर, जो कि अच्छा खासा आपको आ जाएंगे। तो और इसका जो प्राइस है गाइस ये है 500 रुपीज ओनली, सो आप समझ ही सकते हैं। तो 500 रुपीज में आपको इस तरह का साड़ी मिल जाएंगे। और ये रहा इसका पल्लू, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पल्लू है। सो और इस तरह का आपको पूरे साड़ी में इस तरह का डिजाइन मिल जाएंगे, ऊपर नीचे इस तरह का बॉर्डर, जरी ओवन वर्क किया हुआ है पूरे साड़ी में। और इसमें आपको जो ब्लाउज पीस मिलेगा वो है दिस वन, ये रहा ब्लाउज पीस।
और सेम मटेरियल का है, कांजीवरम सिल्क सेम मटेरियल में इसका ब्लाउज पीस है। और इस तरह का आपको जो भी आप बनवाते हैं अगर ब्लाउज, तो इस तरह का आपको यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएंगे। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस साड़ी का। ये देखिए इस तरह का लाइनिंग दिया हुआ है जो दिखने में अच्छा है। अकॉर्डिंग टू इस प्राइस बहुत ही अच्छा है, आप इस तरह का प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला है कांजीवरम सिल्क। सो 500 rupees ओनली दिस साड़ी एंड मीटर, और लंबाई चौड़ाई सब में से ये ठीक ठाक है। और इसमें आपको और भी सुंदर सुंदर कलर अवेलेबल हो जाएगा। आप कोई भी साड़ी अगर आपको पसंद आता है इस डिज़ाइन में ये साड़ी, तो आप कोई भी कलर में आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा साड़ी है। सो साड़ी भी सॉफ्ट है, तो वो मलमल तो नहीं होगा उस टाइप का, लेकिन सिल्क तो आप समझ ही सकते हैं उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट सिल्क है, सॉफ्ट तो है। तो आप किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी वेडिंग में आप इसको कैरी कर सकते हैं आराम से। प्राइस के हिसाब से ठीक है, 500, 600, 700 में कहाँ आपको मिल जाएगा दैट वाला सिल्क, लाइक बहुत ही होता है ना रिच वाला सिल्क तो नहीं मिलेगा, ओरिजिनल जो मैं कह रही हूँ। अगर आप चीपेस्ट प्राइस में कुछ साड़ी ढूंढ रहे हैं फेस्टिवल के लिए, एनी ओकेशन के लिए, तो आप इस तरह का साड़ी वेयर कर सकते हैं, जो कि पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको जो भी इसका प्राइस है आपको शो हो जाएगा स्क्रीन पे, और साथ ही साथ आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हैं कि पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो या दिस इज द सेकेंड वन, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट थर्ड वन। सो नेक्स्ट वन है दिस साड़ी, ये पिंक कलर का कांजीवरम सिल्क, और इसका जो मटेरियल है वो है लीची सिल्क ब्लेंड। ये जो साड़ी है लीची सिल्क ब्लेंड फैब्रिक है, और ये इस तरह का आपको पूरे बॉडी में इस तरह का फ्लावर मिल जाएंगे। ये देखिए, और ऊपर में इस तरह का बॉर्डर, ये ऊपर नीचे आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है दिखने में। आप ये साड़ी स्पेशली आप एनी फेस्टिवल एंड वेडिंग रिसेप्शन में आप पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ही प्रिटी सा साड़ी है, और इसका भी प्राइस है 799 rupees आई थिंक। सो इसका जो भी प्राइस है आपको स्क्रीन में भी शो हो जाएगा, और साथ ही साथ ट्राई ऑन में भी देख सकते हैं, जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके साथ भी आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा जो कि है इसी कलर का, लेट मी शो यू। सो आपको इस तरह का आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा, पूरे ब्लाउज में इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, और यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है। आप अगर ब्लाउज पीस स्टिच करते हैं तो आप इस तरह का दे सकते हैं डिज़ाइन। तो और इसको स्टार्टिंग पॉइंट है साड़ी का कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। ये देखिए पिंक कलर में इस तरह का कुछ थोड़ा सा पार्ट, और इसके बाद जो होता है पूरे साड़ी में इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है। ऊपर नीचे आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाएंगे, और नीचे आप देख सकते हैं इस तरह का फ्लावर पूरे बॉडी में टिल आपको पल्लू तक इस तरह का आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी है, और इसका प्राइस ओनली 799 rupees, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। बहुत ही रिच लुक देता है, और इसका जो पल्लू है गाइस बहुत ही स्टनिंग, आई थिंक बहुत ही रिच लुक प्रोवाइड करते हैं। मतलब 799 rupees में आपको इस तरह का डिज़ाइन मिल रहा है पूरे साड़ी में, तो बहुत ही बढ़िया है, और पहनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत सा लुक प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा है, आपको सामने स्टिच करवाना ही पड़ेगा। देखिए इसका हालत सामने, इस तरह का ही आपको हर साड़ी में आपको स्टिच करवाना पड़ेगा। सो बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी है, पूरे पल्लू में इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत ही रिच लुक प्रोवाइड करते हैं। आप इसको ना एनी वेडिंग रिसेप्शन में पहन सकते हैं, फेस्टिवल में आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, चूल्हे बना के थोड़ा सा ज्वेलरी लगा के भी, मतलब बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। इसका प्राइस भी बहुत ही मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस इज टोटली वर्थ इट, एंड इफ यू लाइक इट देन गो फॉर इट। और मटेरियल भी अच्छा खासा है, सिल्क में है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ, सो आउट ऑफ 10 आई विल गिव दिस 8.5 out of 10 I'll give 8.5। सो या ये बहुत ही सुंदर सा साड़ी है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग एक्चुअली आई एम लविंग इट। सो या इसमें भी आई थिंक और भी कलर अवेलेबल हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो या सो द लास्ट वन इज माई फेवरेट दिस साड़ी, बहुत ही सुंदर सा साड़ी है गाइस, बहुत ही सुंदर, ये लाइट ग्रीन कलर में है, और इस तरह का पूरे बॉडी में इस तरह का वर्क किया हुआ है, आई एम टोटली लविंग इट। मुझे बहुत ही अच्छा आया। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ना जो ब्लाउज है वो पिंक कलर का है। आप पिंक कलर का एनी ब्लाउज पहन सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं यहाँ पे जो भी ब्लाउज पीस दिया हुआ है वो पिंक कलर का है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। मतलब अगर आप इसमें ज्वेलरी पहनते हैं एंड सिंपल सा मेकअप करते हैं ना, बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं, बहुत ही प्रिटी लुक देते हैं ये पहनने के बाद। और ये जो साड़ी है ये कांजीवरम सिल्क साड़ी है, अगेन इसका मटेरियल सिल्क में है, और इस तरह का आपको पूरे बॉडी में जरी ओवन का वर्क मिल जाएंगे, इस तरह का पूरे डिजाइन है, इस तरह का पूरे साड़ी में इस तरह कुछ नहीं है, बस इसका जो बॉर्डर है आई शो यू। यस, सो इसका जो ब्लाउज पीस है कुछ इस तरह का पिंक कलर में है, आप देख सकते हैं पिंक कलर में पूरे डिजाइन किया हुआ है, लाइनिंग दिया हुआ है, ये बॉर्डर है,
जो ब्लाउज पीस है बहुत ही प्रिटी है और इसका भी मटेरियल ऑफकोर्स सिल्क में है, सो बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज पीस है एंड ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएगा इस तरह का। और ये ना महीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस साड़ी में ढकी जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही हाइट में लंबा है। आप में से अगर कोई हाइट में ज़्यादा है तो ये साड़ी आप डेफिनेटली वेयर कर सकते हैं, बहुत ही हाइट में लंबा है ये साड़ी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और चौड़ाई में भी अच्छा खासा चौड़ाई है, लेकिन मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था अगर आप मेरी हाइट मेरे से ज़्यादा है तो आपके लिए तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सो ये एंड बहुत ही प्रिटी सा साड़ी है, इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये देखिए पूरे। और यहाँ से आपको साड़ी पूरे साड़ी में डिज़ाइन मिल जाएंगे, ये देखिए ऊपर में इस तरह का बॉर्डर, ऊपर नीचे आपको इस तरह का बॉर्डर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा लगता है पूरे साड़ी में इस तरह का लाइट लाइट गोल्डन कलर में, और पूरे साड़ी में आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। और इसका जो पल्लू है बहुत ही खूबसूरत सा है, मतलब लाइक सिंपल है लेकिन पूरे पल्लू में इस तरह का वर्क दिया हुआ है और बहुत ही शाइनी साड़ी है, बहुत ही शाइन देता है ये सिल्क जो है ना, बहुत ही शाइनी है, बहुत ही शाइनी, आप देख ही सकते हैं एक होता है ना लाइट गिरने के बाद जो शाइन लुक देता है वो वाला है। अगर इसके साथ आप कोई भी कंट्रास्ट पिंक कलर का ब्लाउज पहनते हैं तो तहलका मचाने वाला है ये साड़ी, बहुत ही सुंदर साड़ी है, आप देख सकते हैं ट्राई ऑन में कि पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड दिस इज माई फेवरेट वन आज के वीडियो का, सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये साड़ी। और गाइस इसका जो प्राइस है ओनली 500 रुपीज, कैन यू बिलीव इट, 500 रुपीज में आपको सिल्क साड़ी इस तरह का पूरे साड़ी में डिजाइन दिया हुआ है और इसका कलर भी बहुत ही प्रिटी है। अगर आप कोई भी कोई साड़ी सर्च कर रहे हैं फेस्टिवल के लिए वेडिंग के लिए, ये साड़ी तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी है, बहुत ही शाइनी एंड बहुत ही सुंदर प्रिटी प्रिटी लुक प्रोवाइड करते हैं आपको, बहुत ही प्रिटी है, जितना मैं तारीफ करूँ ये साड़ी का बहुत ही कम है। मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत ही अच्छा लगा, आपको इनमें से कौन सा साड़ी अच्छा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इसका भी हाइट बहुत ही अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, मतलब बहुत ही अच्छा आया है और सिल्क में है, ओरिजिनल सिल्क, अगेन मैं बता रही हूँ ओरिजिनल सिल्क तो आपको मिलने से रहा इतने कम प्राइस में, लेकिन अगर इतने कम प्राइस में आप कोई भी सिल्क साड़ी आर्टिफिशियल सिल्क साड़ी ढूंढ रहे हैं तो ये तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा आया है। एंड अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 10/10 वाला साड़ी है ये अकॉर्डिंग टू इस प्राइस, 500 में तो बढ़िया आया है, बढ़िया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपको इनमें से अगर कुछ भी साड़ी पसंद आते हैं तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो ये रहा बहुत ही सुंदर सा साड़ी, ये सारी साड़ी बहुत ही प्रिटी है अकॉर्डिंग टू इस प्राइस, सारी साड़ी एकदम वर्थ इट वाला है, पैसा वसूल वाला साड़ी है। सो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।